वेलकम वेलकम, मैं हूँ मैनू फैसल। आज हम आपके साथ बना रहे हैं इजी होकर दम कीमा। चलन अब देखते हैं दम कीमा बनता कैसे है। जी देखे नाजी जी, हमने कीमा ले लिया है, हमने लिया है 1/2 kg। तो अब दिखाते हैं इसमें स्पाइसी क्या क्या डालेंगे। जी नाजी, देखिए हमने कीमा ले लिया है। कीमे के साथ हमने इसमें कचरी मसाला थोड़ा सा डाला है। इसमें हमने शामिल किया है चने का आटा 1 चम्मच और लहसुन अदरक डाला है 1 चम्मच। इसके साथ ही हम शामिल करेंगे गरम मसाला 1/2 चम्मच। इसके साथ ही मसाला हम शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 चम्मच और हसबे जायका 10 स्पून हसबे ज़रूरत। और साथ ही हम डालेंगे इसमें प्याज, रेड ऑनियन प्याज थोड़े से डालेंगे हम, तकरीबन 1 चम्मच इतनी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालनी है। और इसके साथ ही हम डालेंगे 2 चम्मच दही। उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी नाजी, ये देखिए हमने मैरिनेशन कर चुके हैं। इसको अच्छे से हमने हर चीज़ को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको हम 15 से 20 मिनट के मैरिनेशन करके रख देंगे। उसके बाद इसको हम थोड़े से बटर और थोड़े से ऑयल के साथ इसको फ्राई करेंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह फ्राई होगा, किस तरह रेडी होगा, कितना अच्छा लगता है। जी नाजिन, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर हमने 2 से 3 चम्मच इसके अंदर तेल डाला है और इसके साथ ही हम शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून बटर। आप देख सकते हैं इसमें हम डाल चुके हैं। इसको अच्छे से हमें मिक्स करना है और देखिए आज को इसको पकने देंगे। इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमने दही डाली है और दही के पानी में भी पक जाएगा, थोड़ा सा पानी डालेंगे। जी नाजिम, ये देखें ये 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, ये और अच्छे से भुनेगा, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, कीमा बन जाएगा। मैंने पानी नहीं डाला इसमें, मैंने 1/2 कप, बिल्कुल 1/2 कप कहते हैं वो पानी डाला था। आप देख रहे हैं पानी नहीं है इसके अंदर खुश्क के, ये इसी में ही गल जाएगा और इसी में अच्छे से दम हो जाएगा। बिल्कुल हल्के आँच पर रखना है, तेज़ आँच पर नहीं पकाना ताकि वो जल जाएगा। हल्के आँच पर दम पे कीमा बन जाएगा अच्छे से। फिर हम इसके ऊपर से गार्निश करेंगे और गोले की इसको स्टीम देंगे। जी नाजिन, आप देख सकते हैं हमारा दम कीमा रेडी है। इसमें हम कोयले की दोहा देंगे, स्टीम देंगे और साथ में इसको हम गार्निशिंग करेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कोयले की स्टीम किस तरह दूंगी, इसमें अंदर ही दूंगी और साथ ही गार्निशिंग करूँगी। जी नाजिन, आप देख सकते हैं हमने इसमें कोयला रखा हुआ है बीच में और इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे अच्छे से। हमने दम लगा दिया है, ये अच्छे से दम हो जाएगा। इसमें हम गार्निशिंग कर देंगे, ये देख सकते हैं आप अच्छे से दम लग रहा है ये। जी नाजिन, ये देख रहे हैं हमारे रेडी हो चुका है दम कीमा। इसमें गार्निशिंग कर रहे हैं हम, हसबे ज़रूरत आप कुछ भी कर सकते हैं। ये देखें जी नाजिन, और इसमें हम थोड़ी सी प्याज भी डालेंगे क्योंकि हमारे बच्चों को हमारे घर में प्याज पसंद की जाती है। जी नाजिन, ये देख सकते हैं आप, ये रेडी हो चुका है दम कीमा। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी ये रेसिपी। और अगर प्लीज़ पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। अल्लाह।